सो सब लोग बाइकआउट करना चाहिए, नोबडी हैज टू बाय। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए हर चीज चाइना ब्रांड को। इसके लिए कि जो पैसा जा रहा है चाइना एकदम निगेटिव सोच रही है और हर पल झगड़ा करने हर इंडिया प्रमाण ये सोच रहा है कि इसको बाइकआउट कर देना चाहिए। एक तो बात यह है कि चाइना ने ना अपने को कभी सपोर्ट किया है, पाकिस्तान ने अपने पे हमेशा अटैक भी किया है और इनडायरेक्टली चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा है। मैं तो सबको ही बोलना चाहूँगा सिंगल एक रुपये का भी उसका कारोबार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है। पाकिस्तान अपना दुश्मन है और वो उसको सपोर्ट कर रहा है तो उसकी आइटमें नहीं खरीदना चाहिए, अपने को स्वदेशी चीज़ वापरनी चाहिए। अगर आप एक भारतीय के नाते पूछेंगे तो कोई भी इस चीज़ के लिए ना नहीं बोलेगा, लेकिन वॉकआउट करने से अगर हमारे खुद के व्यवसाय का नुकसान होए और सरकार अपना धंधा करे चाइना से, तो ये दो तरह की बातें हो जाएगी। जिस तरीके से आज उनको सहूलियत मिल रही है, जिस तरीके से मार्केट में आज चाइना का प्रोडक्ट जिस तरीके से जो भी 25% बिक रहा हो या 30% बिक रहा हो उसको पूरी तरह से बैंड कर देना चाहिए, पूरी तरह से। ये भी इसमें केंद्र सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए, राज्य सरकार को भी लेना चाहिए, और नहीं ले रही है तो सरकार गलत कर रही है। सरकार अलग जाए और पब्लिक अलग जाए, ये दो बातें नहीं हो सकती। पर एक बार अगर मोदी जी इधर मैन्युफैक्चरिंग सब चालू कर दे, बेसिस पे पूरे चालू हो जाए, तो हम लोग खुद बॉयकॉट करना चाहते हैं चाइना को। इंडियन कंट्री को बहुत फ़ायदा हो जाता है, तो वो हिसाब से बैन कर देना चाहिए। प्लस इंडिया में जो जॉब लेस लोग हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। सो वन एवरीबडी शुड बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। बी इंडियन बाय इंडियन, वी हैव टू क्लोज द चाइना गुड्स।